दोस्तों, अगर आपने भी महा डीबीटी पर ऑनलाइन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप उसके एप्लीकेशन को कैसे चेक करेंगे, अंडर डीडीयू है या फिर आपका अमाउंट क्रेडिट कर दिया गया है, या फिर आपके एप्लीकेशन के साथ जो कुछ भी चल रहा है वो उसकी पूरी प्रोसेस आप कैसे चेक करेंगे अपने मोबाइल से, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं देने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप देखिए इस वेबसाइट के ऊपर आ जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, mahadbt.ma@gov.in/login। इस वेबसाइट पर आने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं, आपको यहां पर देखिए अपनी यूजर आईडी देना होगा, उसके बाद आपको यहां पर अपना पासवर्ड देना होगा और ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है सेम टू सेम आपको यहां पर भरना होगा। और सिंपली दोस्तों आपको यहां से एक लॉगिन वाला बटन दिख रहा है, लॉगिन हियर, इस पर आपको क्लिक कर अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेना होगा। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं, आपको अपनी प्रोफाइल बताएगी, यहां पर देखिए आप अपनी प्रोफाइल यहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपने जो स्कीम के लिए अप्लाई किया है वो स्कीम आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों जो भी स्कॉलरशिप के लिए आपने अप्लाई किया है वो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा। अंडर स्क्रूनिटी एप्लीकेशन में कुछ नहीं बता रहा है, अप्रूव्ड एप्लीकेशन में अगर आता है आपका तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर 100% इस स्कीम का लाभ मिलने वाला है। दोस्तों आप यहाँ पर रिडीम स्टेटस चेक कर सकते हैं, आपको कितना अमाउंट मिलने वाला है और ये कितने इंस्टॉलमेंट में मिलने वाला है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इंस्टीट्यूट से हमारा अप्रूवल हो चुका है। उसके बाद फ्रेंड देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल एप्लीकेबल अमाउंट हमारा इतना फाइनल अमाउंट आने वाला है स्कॉलरशिप से। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने स्टेटस को चेक कर सकते हैं, रिडीम स्टेटस को। उसके बाद दोस्तों आप यहां पर अगर आपको अपना फॉर्म देखना है पूरा तो यहां पर व्यू फॉर्म पर क्लिक कर आप अपना पूरा फॉर्म यहां पर चेक कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत आती है कि उनके अकाउंट में पैसा क्रेडिट नहीं कर दिया जाता है, तो उसका क्या कारण होता है? तो दोस्तों सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखिए आधार बैंक लिंक स्टेटस आपको चेक कर लेना है कि आपका आधार कार्ड बैंक से लिंक है या नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आधार बैंक लिंक स्टेटस यहाँ पर वेरीफाइड दिखा रहा है, तो इस तरह से ग्रीन टिक भी आपका आने होना तभी आपका स्कॉलरशिप का अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा, वेरीफाइड बता रहा है यहाँ पर देखिए दोस्तों। तो इस तरह से आपको अपने जो आधार है उसको बैंक अकाउंट के साथ लिंक कर लेना है ताकि आपके स्कॉलरशिप अमाउंट आने में कोई परेशानी ना हो। प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप आती है और ज़रा सी आपकी गलती की वजह से आपका स्कॉलरशिप का अमाउंट आना बहुत दिक्कत हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपकी कोई स्कीम कैंसिल हो चुकी है तो आप यहाँ से माय कैंसिल स्कीम में जाकर भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर नो कैंसिलेशन स्कीम बता रहा है। और दोस्तों अगर आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है रिजेक्टेड एप्लीकेशन। अगर आपका रिजेक्टेड एप्लीकेशन में नाम आता है तो तब भी आपको स्कॉलरशिप का अमाउंट नहीं मिलेगा। और ये रिजेक्ट एप्लीकेशन तब होता है जब कॉलेज का प्रिंसिपल या फिर कॉलेज का क्लर्क वहाँ से उसे रिजेक्ट कर देता है, तब आपको यहाँ पर ये रिजेक्ट एप्लीकेशन में दिखाता है। और दोस्तों जिस दिन आपका बैंक में पैसा जमा हो जाता है तब आपको यहाँ पर देखिए फंड डिसबर्स्ड, इसमें आपका एप्लीकेशन आ जाता है, यहाँ पर आपको अमाउंट बता दिया जाता है कितना अमाउंट क्रेडिट हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने सरकार महा डीबीटी की स्कॉलरशिप को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। और दोस्तों 2022-23 का जो सेशन हमारा चल रहा है इसमें बहुत लेट हो रहा है एप्लीकेशन और यहाँ पर स्कॉलरशिप का अमाउंट क्रेडिट होने में। तो दोस्तों थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, अंडर डीडीओ अभी चालू स्टेटस और रिडीम स्टेटस भी आप अपना यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही जल्दी हमारे बैंक अकाउंट में ये पैसा क्रेडिट होने वाला है। दोस्तों इस तरह से आप भी अपने फॉर्म का स्टेटस लॉगिन कर चेक कर लीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर आपको ये चेक करना है कि आपका बैंक आधार से लिंक है या नहीं, ये आपको चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।